नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। पाक से आए थे आतंकी, भारत के पास सबूत। गुरदासपुर आतंकवादी हमलों को अंजाम देने वाले तीन आतंकवादी पाकिस्तान के सरगोधा से आए थे और मारे गए आतंकवादियों से मिले एक जोड़ी जूते पर चीता ब्रांड का निशान मिला है, जो पाकिस्तान का प्रसिद्ध ब्रांड है। भारत ने एनएसए स्तर की होने वाली बातचीत में पाकिस्तान को सौंपने के लिए जो दस्तावेज तैयार किया था, उसमें इसका उल्लेख था। मारे गए आतंकवादियों में से एक के जूते के अंदर के सोल पर चीता ब्रांड का निशान मिला है। ब्रांड के नाम को छिपाने के लिए अन्य दो जोड़ी जूतों को खरोंच दिया गया और स्याही से छिपाने की कोशिश की गई। आतंकवादियों ने 27 जुलाई को गुरदासपुर में हमलों को अंजाम दिया था, जिनमें 7 लोग मारे गए थे। यदि नेपाल जैसा भूकंप आया तो तबाह हो जाएगी दिल्ली। नेपाल जैसा भूकंप दिल्ली में आने पर शहर के 90% लोगों के मारे जाने की आशंका जताने वाली एक रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगमों की जमकर खिंचाई की और कहा कि वे आपदा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि राजधानी में महज 10-15% इमारतें ही निर्माण के नियमों के मुताबिक बनाई गई है। दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि एक हलफनामे के जरिए खतरनाक हालात का खुलासा हुआ कि दिल्ली नगर निगमों के इलाके में 25% इमारतें नियोजित या स्वीकृत इलाकों में आती हैं, जबकि 75% इलाका अनियोजित एवं अनाधिकृत है। चूहे ने ले ली 10 दिन के बच्चे की जान। एक सनसनीखेज घटनाक्रम में बुधवार को गुंटूर सरकारी जनरल अस्पताल के आईसीयू में चूहे के काटने से 10 दिन के बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर वेणुगोपाल ने बताया कि लक्ष्मी नाम की महिला ने इस बच्चे को 17 अगस्त को विजयवाड़ा जनरल अस्पताल में जन्म दिया था तथा उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण सर्जरी के लिए यहां भेजा गया था। उसके बाद उसे गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया था। अधीक्षक ने बताया कि उसकी मां ने सुबह देखा कि उनके बेटे के दाएं हाथ की उंगलियों को चूहे ने काट लिया है। बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई।